दोस्तों मैटर हुआ है ये कि यहाँ 13 गाड़ी पहले से ही है, तो कल का नंबर है, इसीलिए बोलते हैं दोस्तों खाने पीने का जो है राशन साथ में ही लेके आना चाहिए। अभी गाड़ी को लगाते हैं रिवर्स करके इधर, और कल के लिए बोल रहे हैं खाली होने के लिए। दोस्तों यहाँ पे होटल हैं, मगर यहाँ से 7-8-9 किलोमीटर पीछे होटल है, जाने का कोई साधन है नहीं। और बहुत बड़ा दोस्तों जो है मुर्गी फार्म है, गाड़ियाँ तो यहाँ आती रहती होंगी लोडिंग या अनलोडिंग के लिए। फिलहाल ये बताइए जरा एक टांकी लग। हेलो दोस्तों, मैं गोपाल यादव स्वागत करता हूँ गुरु आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8:30, आप सभी को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाइयों आज हमारी गाड़ी जो है रायपुर से 50 किलोमीटर पहले खड़ी हुई है, और हम लोग एक होटल पर चाय वगैरह पीने को रुके हुए हैं। ये हमने बिस्कुट लिया, एक चाय ली उधर से, तो गाड़ी खाली करने के लिए हमें जाना है। फिलहाल चाय वाय पियेंगे, पार्टी को फ़ोन लगाया हुआ है दोस्तों, पार्टी के फ़ोन आने का इंतजार है। फिर दोस्तों चाय पी के ही तुरंत निकल जाएंगे गाड़ी अनलोड करने के लिए। तो ये है गुरु होटल जहाँ गाड़ियाँ स्टॉप करके खड़ी हुई हैं, और ये चल रहा है रायपुर वाला रोड, वो उधर खड़ी हुई है हमारी गाड़ी। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, पार्टी वाले का इंतजार हो रहा है दोस्तों अनलोड करने के लिए। खड़े हुए थे होटल पे तो सोचा चाय वगैरह तब तक जो है पी लेते हैं, तो चाय पानी एकदम हो गया है। तो फाइनली दोस्तों पार्टी वाले का जो है भैया का फ़ोन आ गया है, और हम लोग अब जहाँ से निकलने वाले हैं इस होटल से एकदम, तो चलते हैं अभी गाड़ी अनलोड करने, देखते हैं दोस्तों वहाँ का क्या प्रोसेस है, कैसा मील है। और यहाँ से 10-12 किलोमीटर जो है बताया है मामला। तो फाइनली दोस्तों हम लोग वहाँ से जो है निकल आए हैं, और अभी हम चल रहे हैं रायपुर और बिलासपुर वाले हाईवे पे। तो यहाँ से बस थोड़ी दूर हमको जाना है, एक बिलाड़ी कस्बा करके है कोई गांव, उधर ही अपना गाड़ी जो है अनलोड होगी। फाइनली दोस्तों चलते चलते आ गए एक टूटे फूटे से रास्ते पे, और यहाँ से अभी 3-4 किलोमीटर हमारा मील जो है वो रह गया है, यही रास्ता हमको बताया था उन्होंने। तो दोस्तों इधर कोई सिटी या कस्बा वगैरह तो है नहीं, क्योंकि हम लोग जिधर जा रहे हैं हमको लग रहा है रोड एकदम ख़राब है, तो गांव टाइप का है। यहीं पर कोई पोल्ट्री फार्म है ये जो हमारा माल खाली होगा। और दोस्तों पूरे गांव में खपरेल के घर हैं, बाकी कुछ पक्के घर भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम सुनसान एरिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने पोल्ट्री फार्म पर, और वो देखो मामा जा रहा है कागज लेके गेट की तरफ। तो अभी दोस्तों यहाँ होगी एंट्री वगैरह, और यही हमारा पोल्ट्री फार्म। चलिए यहाँ से ठीक नहीं आ रहा है, उतर के एक बार आपको साफ क्लियर करके दिखाते हैं। तो गुरु ये तो रहा पोल्ट्री फार्म, और वो जा रहा मामा, और इधर यहाँ पे मेरे पूरे तरफ ये साइड में जंगल ही जंगल है। दूर दूर तक दोस्तों जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक जंगल ही जंगल है, और ये खड़ी अपनी भैया गाड़ी। और दोस्तों वैसे भी हम तो छत्तीसगढ़ में जहाँ तक चले हैं मध्य प्रदेश में, उससे पहले भी तो हमको जंगल और घाट सेक्शन के अलावा कुछ भी मिला नहीं है। इस बार हमारा पहला ही ट्रिप था, काफ़ी परेशान हुए हम। दोस्तों मैटर हुआ है ये कि यहाँ 13 गाड़ी पहले से ही हैं, तो कल का नंबर है, इसीलिए बोलते हैं दोस्तों खाने पीने का जो है राशन साथ में ही लेके आना चाहिए। अभी गाड़ी को लगाते हैं रिवर्स करके इधर, और कल के लिए बोल रहे हैं खाली होने के लिए। दोस्तों यहाँ पे होटल हैं, मगर यहाँ से 7-8-9 किलोमीटर पीछे होटल है, जाने का कोई साधन है नहीं, ऑटो वगैरह बिल्कुल भी चल नहीं रहे हैं, तो साथ में ही लेकर आना चाहिए। तो हम लोग तो अपने साथ में ही लेके आए हैं, फिलहाल देखते हैं क्या बचा है गाड़ी में अभी बनाने खाने के लिए। ठीक है दोस्तों गाड़ी को कर दिया एकदम साइड में स्टॉप। बहुत बड़ा दोस्तों जो है मुर्गी फार्म है, गाड़ियां तो यहां आती रहती होंगी लोडिंग या अनलोडिंग के लिए। फिलहाल ये बताइए इधर एक टांकी लगी हुई है नहाने धोने के और पीने के पानी के लिए। तो आए हैं देखने दोस्तों क्या है माजरा। चलो ये पानी का जुगाड़ हो गया एकदम, पानी की कोई टेंशन है नहीं। और ये कोई गाड़ी आई है लोड होने के लिए, तो खड़ी हुई है बाहर ही अभी, और एक वो गाड़ी खड़ी हुई है, उसके बाद वो अपनी गाड़ी साइड में लगी हुई है। तो दोस्तों बस इतना ही है कि बनाने का हम नहीं लेके आते, तो यहाँ जो है भूखों मरना पड़ता हमको, बनाने का है तो कोई इतनी टेंशन है नहीं। अभी फ़ोन किया था पार्टी वालों को, तो बोल रहे थे अर्जेंट माल है, अभी यहाँ आ गए तो बोल रहे हैं भैया गाड़ी पहले से ही खड़ी हुई है, कल खाली होगी। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर एकदम आ गए, तो अभी खाली होने का कोई ठिकाना है नहीं,
फिलहाल ये गाड़ी खाली हो गई आई है भाई, जाल मार रहे हैं आगे और पूरा जंगलात एरिया है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आज हो जाए गाड़ी तो ज़्यादा अच्छा है। और हम लोग पास में दाल थोड़ी रखी हुई थी, तो दोस्तों ये रखे टमाटर, ये प्याज, हरी मिर्च, मामा काट रहा अभी प्याज, और दाल ये हमने इधर उबालने के लिए रख दी है। तो आज दोस्तों बनाएंगे अपनी दाल और अरहर की और मसूर की दाल मिक्स है। दोस्तों मैं जब भी बनाता हूँ तो अरहर और मसूर ही बनाता हूँ, क्योंकि अरहर दाल और मसूर थोड़ी जल्दी गल जाती है। ठीक है दोस्तों, तेल जो है उफान मार गया बहुत अच्छे तरीके से, तो लहसुन इसमें छोड़ देते हैं। और हरी सब्जी कुछ थी नहीं दोस्तों, आलू वगैरह बनाते थे वैसे, तो सोचा कि आज दाल ही बना लेते हैं। और हो सकता है दोस्तों आज ही जो है हमारी गाड़ी खाली हो जाए, अभी बात की थी पार्टी से तो उन्होंने बोला हुआ, हमने कहा भैया गाड़ी आज खाली करा दो, लेट हो जाएगी तो प्रॉब्लम होती है, तो बोल रहे हैं देखो अभी बात करते हैं बताते हैं करवा देंगे, आज ही कोशिश में लगे हैं। सोचते हैं आज दोस्तों खाली हो जाए तो कल भर भी जाए, थोड़ा ट्रिप अच्छे से लग जाता है जल्दी, तो थोड़ा सही रहता है। तो यही सब बना रहे हैं अभी, खाएंगे, और खाना बनाने का राशन नहीं होता दोस्तों, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी, परंतु हम लोग लेके आए थे इस बार तो बहुत ज़्यादा सहायक बना। दोस्तों दाल बनके फाइनली हो चुकी है रेडी, और अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं, जो भूख भी बहुत जोरों शोरों से लगी हुई है। रोटी भी हमने एकदम घर जैसी रोटी बनाते हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी, काफ़ी मज़ा आता है। तो ठीक है दोस्तों चलिए खाते हैं खाना। दोस्तों खाना पीना हो गया अभी हम लोग का, और हम लोग थोड़ी देर आराम भी कर लिए, और अब बज चुके हैं शाम के 5, यानी कि आज जो हमारी गाड़ी अनलोड नहीं होगी। दोस्तों यहाँ दिन में ही होता है अनलोडिंग का काम, जो है नाइट में नहीं होता है, तो अब तो जो है कल ही गाड़ी खाली होगी। और यहाँ कोई दुकान भी नहीं है चाय वाय का, पूरा जंगल है ये देखिए एकदम गुरु, कोई सिटी वगैरह है नहीं, सिटी से बिल्कुल बाहर हैं हम लोग, क्योंकि ये जो पोल्ट्री फार्म है बिल्कुल ही बाहर है। एक ये रोड गया इधर सिंगल, उसके बाद में ये घूम के ये सीधा रोड इधर भी गया, तो इधर भी एक गांव है जहाँ छोटा सा बाज़ार है, और इधर जाएंगे तो इधर भी एक छोटा सा ही बाज़ार है, बाकी कुछ है नहीं। और ये साइड में तो गुरु जहाँ सूर्य महाराज छिप रहे हैं, इधर पूरा जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है। तो अब तो आज की उम्मीद तो ख़त्म ही है दोस्तों, बस। तो ठीक है दोस्तों देखते हैं, गाड़ी भी काफ़ी देर से खड़ी हुई है तो ठंडी है, आज थोड़ा मोमिनल जो है चेक कर लेते हैं, और आज चेक करना भी चाहिए। कम है दोस्तों, चलिए थोड़ा कम है, डलवा देंगे कहीं पे हो जाएगा। तो दोस्तों अभी बज गए शाम के 7:30, और शाम के 7:30 बजते ही बाहर एकदम सन्नाटा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो दाल रखी हुई थी हमारे पास, और रोटियां जो हम सेंक रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वही दाल रखी हुई थी सुबह बनाए थे हम लोग, खा के अभी सो जाएंगे। आज गाड़ी जो है खाली नहीं हुई, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको ब्लॉग में दिखाया, यही हमारा जो है रूटीन रहता है दिन का, और गाड़ी आज खाली नहीं हुई दोस्तों, तो
कल के लिए बोल रहे हैं, तो नाइट में गाड़ी भी अभी अंदर नहीं ली है इन लोगों ने, फिलहाल यहीं बाहर खड़ी हुई है। और यहाँ का बाहर का एरिया मैंने आपको दिखाया ही ब्लॉग में, फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं, कैमरे वैमरे भी लगे हैं, बाकी सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया भी बैठते हैं, बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सुबह आपकी गाड़ी खाली हो जाएगी। तो वही दोस्तों, सुबह हो जाएगी खाली, बाकी खाना पीना बना ही लिया है, दाल रखी हुई थी, थोड़ी रोटियाँ बना ली हैं, खा के फिर आराम करेंगे। और दोस्तों आज तक का अपना यही ब्लॉग था, तो आज के इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं गुरु, और जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को एक लाइक कर दें, चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।